मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वीतरागी देव शास्त्र जीवन प्रोत्साहन। मृत्यु महोत्सव की चर्चा चल रही है, इसमें एक फर्क है। जैन शासन में जितना भी समाधि मरण का प्रकरण मुख्यतया से लिखा गया है वह पंडित मरण के हिसाब से लिखा गया है, अर्थात दिगंबर मुनिराजों का समाधि मरण। जितनी बहुलता से हमें भगवती आराधना आदि ग्रंथों में मुनिराजों की समाधि मरण कैसे हो, छपक की समाधि कैसे कराई जाए, निर्यापक क्या करते हैं, मुनिराज क्या करते हैं, इसका वर्णन जितने विस्तार से मिलता है उतना श्रावकों का नहीं देखने में आता है। माने श्रावक अपने घर की परिस्थितियों में क्या करे, कैसे दे छोड़ेगा, इसकी चर्चा ज़्यादा सुनने को पढ़ने को विस्तार से नहीं मिलती है। और अभी हम जो ये चर्चा कर रहे हैं उसमें मुनिराजों की मुख्यता ना लेकर उन्हें केवल आदर्श रूप में रखा है, हमने केवल आदर्श रूप में याद करेंगे। और हमारी जो चर्चा का मुख्य एंगल है, हम आप जहाँ खड़े हैं वहाँ हम समाधि कैसे करें, इसलिए एक थोड़ा सा फर्क इसकी गंभीरता में भी हो जाएगा, उसे आप ध्यान में रखें। दूसरी बात क्या है, असली समाधि तो केवलियों की होती है, क्योंकि हमने शुरुआत में ये चर्चा की थी समाधि अर्थात आत्मस्वरूप में समा जाना, अनंत काल के लिए आत्मस्वरूप में समा जाना, यही समाधि है। और इस समाधि का फल मोक्ष है जो केवली भगवंतों को प्राप्त होती है। उनकी चर्चा भी समाधि मरण के नाम पर नहीं मिलती अपने को ज्यादा, मात्र इतना बताया है मरण के एक भेद में कि यह पंडित मरण है, लेकिन हम उनकी चर्चा भी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। भावना यही है कि हमारा भी पंडित मरण हो, लेकिन इस भाव में तो संभव नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा केवल लक्ष्य रूप में है। कभी ना कभी हमारा वो दिन आए जब हमें भी पंडित मरण की प्राप्ति हो। वर्तमान में हमारे पास दो ही लक्ष्य हो सकते हैं, एक तो हम घर में रहते हुए यदि हम श्रावक रहते हैं तो हमारी देह छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा यह हो सकता है कि हम आत्मा का आश्रय करके उत्कृष्ट पुरुषार्थ करें, तीन कसाई चौकड़ी का अभाव हो और हमारे जीवन में दिगंबर मुनि दशा आए, और फिर हम जैसा कि भक्त प्रत्याख्यान या इग्नि मरण समाधि मरण होता है उन दो में से किसी एक की प्राप्ति कर सकें। यानी भावना ही हो सकती है, तैयारियां भी हो सकती हैं। तो अभी तो हम जितनी चर्चा कर रहे हैं उसका मुख्य आधार यही है कि एक श्रावक घर में रहते हुए अनुव्रतों का पालन करते हुए किस तरह समाधि मरण कर सकता है, उसकी चर्चा की मुख्यता है। कहने का मतलब है कि हमारी और आपकी घरेलू परिस्थितियों में किस प्रकार समाधि हो सकती है, उस दृष्टिकोण से चर्चा है। बाकी सर्वांग और अन्य बातें आप जानना चाहें मुनिराजों का समाधि मरण, हालांकि हम बताएंगे थोड़ा थोड़ा बीच में, लेकिन और इससे अधिक समाधि मरण के बारे में जानना चाहें तो उसके लिए आप स्वयं जिनागम का अध्ययन करें। मैंने इसलिए स्पष्टीकरण किया है कि अब हम अपनी चर्चा समाधि मरण की पात्रता, अब देखा जाए तो इसकी पात्रता तो उत्कृष्ट बताई जानी चाहिए, लेकिन हम आपको हमारे आपकी स्थिति में क्या पात्रता हो सकती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल भगवती आराधना का अपन ने 1200 नंबर की गाथा की चर्चा की थी, उसे अलग अलग पॉइंटों में विवरण लेंगे हम उसका, लेकिन अभी उसकी चर्चा पढ़कर बताते हैं। वह सम्यक दर्शन संपन्न हो, धीरजवान हो, जितेंद्रिय हो, इंद्रिय विजेता हो, है ना, गर्भ रहित हो और निर्मोही ही हो, जिसमें से कुछ पॉइंटों की चर्चा अपन ने कल की थी। गर्भ रहित के मामले में यहाँ एक खास बात और बताना कल शेष रही थी, वो आज बताते हैं। गर्भ रहित हो का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि उसे समाधि मरण का ही गर्भ होने लगे, ऐसा नहीं हो जाए। बस ये अंतिम पॉइंट है, हमने समाधि मरण लिया है, हम बहुत शांति से समता से कसाय रहित होकर अथवा मंद कसाय से
समाधि मरण कर रहे हैं, ऐसी समाधि मरण तो करने वाला कोई बिरला ही मिलेगा, कम से कम ये और ना हो जाए। माने इसलिए गर्व रहित हो, इसका मतलब यह है यदि वो संयमी है तो उसे संयम का गर्व ना हो। यदि उसने अनुव्रत लिए हैं और साथ ही समाधि कर रहा है तो लोग तो तारीफ करेंगे, ऐसी समाधि हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन हमें ये ना लगे कि ऐसी समाधि देखने को नहीं मिली होगी। क्या? कि इससे भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ समाधियां होती हैं। घर में मरना कोई शोभा की बात है क्या? है हाँ, लेटे लेटे मरना कोई शोभा की बात है? लेकिन लोग तो तारीफ करेंगे। तो लोगों की तारीफ को तो आप एक ही दृष्टांत से समझ लेना कि यदि एक बस का एक्सीडेंट हो गया तो किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का कोई का मरण हो गया, कोई घायल हो गया और कोई को कम चोट आई, तो उन्हें देखने वाले जितने लोग आते हैं वे ये कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिसके दोनों हाथ टूट गए उससे भी यही कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली रहे, कम से कम बच तो गए। तो लोगों की प्रशंसा बिल्कुल ऐसी होती है, एक हाथ टूट गया तो लोग कहेंगे अच्छा रहा, ये कहीं हाथ टूटा, दो तो नहीं टूटे। दो टूट जाएंगे तो भी दुनिया तारीफ करेगी, अच्छा हुआ दो ही टूटे, पैर तो सलामत है, चल फिर तो सकते हो हैं। और पैर भी टूट जाए तो भी लोग कहेंगे अरे यही भलमान साहब कहो, कम से कम जैन कुल है, अच्छा है, जीवित हो तो कुछ कर तो सकते हो, ये तो नहीं मर गए, प्राण तो नहीं निकले। माने दुनिया किसी ना किसी रूप में आपकी प्रशंसा करेगी। ऐसे ही दुनिया की तारीफ इतनी झूठी होती है, उसमें कोई दम नहीं होती है, ऐसा जान करके लोग यदि प्रशंसा भी करें कि तुम्हारी समाधि जोरदार हो रही है, ऐसी समाधि सुनने को नहीं मिली, देखने को नहीं मिली, आप धन्य हैं, तो भी आप चढ़ मत जाना गौरव में। ख्याल में माने व्यर्थ ही अपने आप को गौरवान्वित अनुभव नहीं करना, क्योंकि इससे भी उत्कृष्ट समाधि तो उसका नाम है जब हाथ पे हाथ होते, निर्ग्रंथ दिगंबर होते, बंद खंडादि में होते, सिंगनी शरीर भक्षण कर रही होती, सिर पर सिंगनियां जलाई जा रही होती, हमें तीरों से बेद दिया होता, हमारे शरीर को चलनी बना दिया होता, और तब भी हमें विकल्प नहीं आता, वह समाधि उत्तम होती। समझ आएगा कुछ? ये लोग तो क्या कहें, आप जरा रात्रि का पानी भी छोड़ देंगे ना तो लोग कहेंगे अरे भैया लड़का बड़ा धर्मात्मा है, लड़का बड़ा धर्मात्मा है। यदि जरा पूजा प्रक्षाल करने लगे तो भी लोग कहेंगे कि साहब लड़का, अरे भैया बिल्कुल जी समझो त्यागी है। माने ऐसा स्वरूप जानकर के उनकी बातों को कोई गिरने लायक नहीं है, इतना ध्यान रखना। अब अपन इसमें से जो मैंने पॉइंट इसमें एकत्रित किए हैं उनकी अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। ये तो गाथा की चर्चा थी। नंबर एक, आत्माभ्यासी अथवा अर्थात सबसे पहली पात्रता है कि वो आत्मा का अभ्यासी हो, शरीर का अभ्यासी ना हो। क्या कहा? शरीर का अभ्यासी माने अभी सारा जीवन इसी में जा रहा है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैंने पैसा कमाया, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, ये तो शरीर की तरफ से बात हुई। आत्मा की तरफ से बोलो, आत्मा के अभ्यासी हो गए नहीं? अरे भाई व्यापार कौन करे, मैं तो ज्ञाता हूं, पूजा कौन करे, मैं तो ज्ञाता हूं, जानने देखने वाला आत्मा हूं। माने बारम्बार ऐसे आत्मा का अभ्यासी हो वो समाधि करने में समर्थ है, नहीं तो मुख से ना भी कहे कि मैंने समाधि ली है लेकिन अंदर अंदर उसको उसका गर्व हो जाएगा। जिसे अंदर अंदर मालूम है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, है? एक बहुत अच्छी बात आती है, हालांकि तो दृष्टांत के रूप में ही लेना, यहां तो शायद संत तुकाराम के बारे में आता है, बहुत दान करते थे शायद, मेरे को उनका ऐसा याद है, बहुत दान करते थे तो लोग उनकी तारीफ करते थे, अरे बहुत बड़े दानी हो, बहुत बड़े दानी हो, तो उनकी नजर झुक जाती थी। तब लोग ये कहते थे कि साहब एक बात समझ में नहीं आई, हम जब आपकी प्रशंसा करते हैं और आप दान देते हो तो आप शर्मा के नीचे आगे क्यों कर लेते हो, नीचे क्यों देखने लगते हो, आपको भी तो प्रसन्न होना चाहिए, हाँ हाँ खूब दान देते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा दोहा कहा कि भाई देने वाला और है, अर्थात पुण्य का और है, हैं? दाता तो कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मेरा करें याते नीचे नैन, इसलिए मेरे नए नीचे हैं, मैं शर्मिंदा हूं, लोग मेरा समझते हैं, अनु चढ़ते नहीं गर्व में। ऐसे यहां पर ये जो समाधि अच्छी चल रही है इसमें साता का उदय है, इसमें पुण्य का योग है जो साधन भी सुनाने वाले मिल रहे हैं, इसमें साता का उदय है जो कान ठीक है, आंख ठीक है। भैया ये इन सब की कृपा है, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, ऐसा भेद विज्ञान करने वाला समाधि का सच्चा अधिकारी है। आत्माभ्यासी, आत्माभ्यासी हर चीज में लगाना। इसमें अभी प्रैक्टिकल क्या हो गया आपके लिए, आपको आज से यदि समाधि चाहिए हो तो आत्मा के अभ्यासी हो, आत्मा का स्वरूप जानो, आत्मा की शक्तियां जानो। मैं तो एक
सच्ची बात मेरे को यही विचार आती है कि यदि सुबह का प्रवचन चल रहा तो निश्चय समाधि का है, निश्चय समाधि है वही और है क्या। आत्मा का परमार्थ स्वरूप बताया जा रहा है, आत्मा का अभ्यास कराया जा रहा है, तो वही तो परमार्थ या यूं कहिए कि निश्चय समाधि है। और शाम को थोड़ा व्यवहार समाधि की मुख्यता हो जाती है, लेकिन आत्माभ्यासी होना अर्थात खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते भी आपको अंदर में लगे अरे रे ये मेरी कार्य नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूं, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। ठीक है, लोग व्यवहार में कहना पड़ता है कि मैं व्यापार करता हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं शरीर को संभालता हूं, मैं दवाइयां खाता हूं, जो भी कुछ मैं कपड़े पहनता हूं, ये कदाचित कहने का व्यवहार बना रहे, विकल्पों में जानने में भी आता रहे, लेकिन अंदर अंदर एक धारा चलती रहेगी ये सब मेरे काम नहीं है। और उसके लिए स्वाध्याय करें, दो तीन दिन से प्रेरणा हो रही है लगातार सट आवश्यक स्वाध्याय और इसकी तो, अथवा टोटर बल जी की भाषा में कहें तो आपको आप रूप अनुभव में दक्ष, आपको आप रूप को जान पनाओ, शो आप रूप को जान पनाओ, कैसा है तुम्हारा रूप। अब यहां इसका विस्तार करने में इसलिए नहीं जाना चाह रही, यदि विस्तार करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे इसका पूरा माने समाधि मंड पूरी नहीं चला पाएंगे चर्चा। तो इसके लिए तो आप छेड़ाला जी का अभ्यास कीजिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का अभ्यास कीजिए, छिन मूरत बिन मूरत कैसा हूं मैं, मेरो है, है? मेरो तो है उपयोग रूप चिन मूरत बिन मूरत अनु, ये मेरा रूप ही नहीं है। अभी जो तुम इसका अभ्यास करती हो मैं दुबला हूं दुबला, अरे क्या बकवास करती हो, ये तुम्हारा रूप है, मैं काला हूं मैं गोरा हूं, अब वो सब लगा लेना आप, या इतना विस्तार करेंगे तो फिर वो एक घंटा उसी में निकल जाएंगे। मैं बुद्धिमान हूं, मेरा क्षोभसम तेज है, मैं मूर्ख हूं, ये तुम्हारा रूप है कि चैतन्य मूर्ति हो, जैसे भगवंत की मूर्ति है ऐसी चैतन्य मूर्ति हो, देह के अंदर दिखाई देने पर भी, देह में दिखाई देने पर भी तुम देह से न्यारे हो, जहां दे अपनी नहीं कब, मरवे के बाद क्यों बारह भाव में लिखी ना बारह भाव बुद्धदास जी ने, तो जहां दे अपनी नहीं माने मरने के बाद, अभी अभी एक काम करो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल, जहां दे अपनी नहीं तहां ना खाबो होए, जहां दे अपनी नहीं तहां पत्नी नहीं होए, जहां दे अपनी नहीं तहां संपत्ति नहीं होए, अरे उसमें तो स्पष्ट लिखा है, हैं? जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना को, घर पर घर संपत्ति पर प्रगट है प्रत्यक्ष, प्रगट प्रगट नहीं प्रत्यक्ष, घर संपत्ति पर प्रगट है, हैं? और क्या पर है परिजन लोए, और परिजन माने परिवार के लोग बेस्पष्ट भिन्न दिखाई देते हैं, जब देह ही अपनी नहीं तो फिर तो इस बात तो देखो सरल है और आपको समझ में भी आती है, बस प्रैक्टिकल करो माने आपको इसका अभ्यास ही होना चाहिए। ध्यान रखो जितनी चर्चा कराए हैं उसके ऊपर अब हम बात कह रहे हैं आपको, यदि आप समाधि मरण करना चाहते हो, नरकादिक से बचना चाहते हो, अनंत काल के भ्रमण से बचना चाहते हो, तो दाव मत चूको, यह इसकी चर्चा एक दिन बहुत की थी विस्तार से, उस सब की बात आज कह रहे हैं कि आत्म का अभ्यास करिए, आपको आप रूप अनुभवने में दक्ष ही प्रथम पात्र है, स्वाध्याय एवं भेद विज्ञान के बल पर आपको आप रूप अनुभवने वाले को समाधि मरण सहज, सदगुरु कहे सहज का धंधा, बिल्कुल सहज है, सुनो फिर सुनाने वाले मिले तो सहज है और नहीं मिले तो सहज है, सुनो अंतिम समय कोई परिचर्या करने वाला मिल जाए तो सहज है और नहीं मिले तो सहज, सुनो अंतिम समय में खूब खाते पीते जाओ कि बिल्कुल महीना भर के उपास से जाओ, सहज है, सहज है तो उसमें क्या है, है? इसलिए आत्मा का अभ्यास करना है, आत्मा का अभ्यास करने के लिए स्वाध्याय आदि करना, विचार करना है, आगे तो और कहेंगे ज्ञानियों की संगत करना, ज्ञानियों की संगत करना, भाई हम तो आपको बहुत सुझाव देना चाहते हैं, देखो यदि आपके पुण्य का वजह से खूब पैसा आ रहा हो तो भी आप कम से कम साल में महीना भर 15 दिन 10 दिन का व्यापार से बिल्कुल टोटली निवृत्ति लेना सीखो,
जो 50-60 के हुए उन्हें तो 100% रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बाकी ताकत नहीं हो तो यथा योग 15 दिन, महीना भर 10 दिन, और फिर सत्संगति में, शिविरों में, तीर्थ यात्रा में, एकांत में रह करके थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। देखो करोड़ रुपए कमा के भी चले जाएंगे तो हमारे किसी काम नहीं आने वाला। ये करोड़ रुपया कल का है तो ये हमें सम्यक दर्शन नहीं दे सकता, नरक जाने से नहीं बचा सकता। तो एक काम करो, 1-2 लाख रुपए कम छोड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ी निवृत्ति लेकर के स्वाध्याय जरूर करो। आप तीर्थ यात्रा में रहो, ज्ञानियों की संगत में रहो, ज्ञानियों की तलाश करो, हमें समाधि मनन कराने में कौन समर्थ है, आदि आदि, ये आप समझ लेना। ठीक है, तो क्या कहते हैं अगला है, देखो भाई, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाओ। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन तभी संभव है। कोई तुम्हारे पास तभी आकर बैठेगा जब तुम भी ज्ञानी जनों को देखकर हर्षित होगे, जब तुम्हें ज्ञानियों के निकट जाने में अच्छा लगेगा। ज्ञानी मिल जाए, अब कहने के लिए तो सरल लगती बात, लेकिन सच बताओ, तुम्हारे भोगी जन जब मिलते हैं, स्त्री पुत्रादिक मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, तब जो समर्पण, बहुमान, उछाव, क्या कहना चाहिए, उत्साह, उल्लास, समर्पण और आनंद, प्रमोद उमड़ता है, वैसा ज्ञानियों को देखकर उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है, ये पात्रता है समाधि मरण की। तुम क्या सोचते हो, फ्री फोकट में, फ्री फोकट माने पैसे की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा समर्पण ही नहीं होगा, प्रेम भाव नहीं होगा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ऐसी बात नहीं होगी, तो तुम्हें समाधि मरण के समय कौन समाने आएगा। जब भी चर्चा वार्ता करते थे, स्वाध्याय करते थे, अच्छी बातें करते थे, तब तुम दूर दूर भागते थे, उनका उपहास करते थे, हो आत्मा आत्मा करत आत्मा आत्मा। अब बताओ भी तुम्हें समाधि मंच के समय कैसे आएंगे, जब तुमने उनकी उपेक्षा की है, है? उनका उपहास किया है ज्ञानी जनों का, तो वे अपना व्यापार, अपने समस्याएं छोड़ करके तुम्हारे पास क्यों आएंगे। इसलिए ये नैसर्गिक बात है, यदि आपको समाधि मंच चाहिए तो माताएं, आप किसी महिलाओं में जो भी, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हमसे उम्र में कम है कि ज्यादा है, आप लोग भी, इससे कोई मतलब नहीं कि वो, यदि 15 साल का लड़का भी है, तत्वज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, संयमी है, धर्म के क्षेत्र में उत्साही है, तो आप उसको क्या पुत्र मत समझो, क्या कहें, पिता भी मत समझो, हम तो कहते हैं आप उसे गुरु जैसा भी आदर दे सको तो। हम ये नहीं कहते उसके पैर छूने लगो, हम ये नहीं कहते कि उसको तुम और गुरु जैसी चर्या करने लगो, लेकिन उसका बड़प्पन, उसका बहुमान, उसकी प्रशंसा, उसे देखते से ऐसा लगे ये मेरे हितैषी है, मेरे 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 चित्त में जो प्रिय विषय है आत्मा, वो ये बालक बहुत अच्छे समझाता है, इसका पाठ मेरे समस्त विकल्पों को दूर कर देता है, इसके द्वारा सुनना मुझे बड़ा प्रिय है, अरे इसे देखते से मुझे आत्मा उलझती है। फिर से सुनना, महिलाएं आपसी समाज में ही जो अच्छी बहनें गोष्ठी करती हों, उनका आदर करना सीखें, उनसे प्रेम करना सीखें, उनके मिल जाने पर उनका बड़प्पन करना सीखें। क्यों? क्योंकि महिलाओं को समाधि कराने में बेनिमित होती हैं, पुरुष प्रायः निमित नहीं बन सकते, बन भी जाएं तो बहुत कम अवसर पड़ पाता है, लेकिन परिचर्या करने से लेकर के संबोधन करने तक, पास में बैठने से, सहानुभूति देने से, हर प्रकार से, एकांत में भी बहने बहनों को संबोधन कर सकती है, इसलिए खूब आदर करो ऐसे 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 पुरुष। देखो अब आज से चुनो कि यहां पर ऐसा कौन पुरुष है, ऐसे कौन बाहर के ज्ञानी पुरुष हैं जिनको हम समाधि मन के समय बुला सकते हैं, जो जिन्हें हमारे प्रति प्रीति हो, हमें भी उनका विषय बहुत समझ में आता हो, उनकी चर्चा सुनते से हमारा तो सारा भार हल्का हो जाता हो, हम अकर्ता ज्ञाता का वेदन करने लगते हो, ऐसा पुरुष कौन है, उन सबका आदर रखो। यदि मोटे रूप में भी कहें तो समाज में जो एक वात्सल्य का भाव है वो इसीलिए होता है, मालूम है क्या होता है, बीमारी हुई तो लोग मिलने जाते हैं, भैया चलो आज फलाचंद जी बीमार हो गए, तो ये मिलने क्यों जाते हैं, वास्तव में जाते तो इसी के लिए हैं कि हम भाव उन्हें संबोधेंगे, समझाएंगे, घबराओ मत भैया, सहानुभूति देंगे, है? लेकिन अब वर्तमान में क्या करते हो ये आप जानो, लेकिन हम आपसे फिर अभी आगे जाकर कहेंगे कि जिसको समाधि लेनी है,
वो साधर्मियों के मिलने पर जब उसे समाधि लेने का विकल्प, पहले तो अंदर अंदर जांचता रहा, ये मेरे योग हैं, ये मेरे योग हैं, ये मेरे योग हैं, उन्हें देखकर अपने आप उछाला आता है, ये मेरे हित में निमित्त भूत हैं। फिर जिस दिन वो समाधि ले उस दिन उनके पास जाए, उनके पास। यहाँ तो अपन अपनी आपस की बात ले रहे हैं, दिगो में मुहिराजों में देखें तो गुरु को ढूंढता है। फिर कौन आचार्य ऐसे हैं जो मुझे समाधि कराने में समर्थ हैं, कौन साधु हैं जो मुझे संबोधन करने में समर्थ हैं, उनकी वो पहले से ही जांच पड़ताल कर लेते हैं। और जब समाधि धारण करते हैं तो सर्व संघ को प्रणाम करते हैं, उनको उनके पास जाते हैं कि आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि मुझे हर प्रकार से सचेत रखने की चेष्टा करना। ऐसे ही जब आप लोगों में से कोई भी समाधि लें, समाधि की भावना भाएं, तो सबसे पहले बताएंगे पूरी विधि मंदिर जी में अष्ट द्रव चढ़ा करके पूजा आदि करके, सबसे पहले उन साधर्मियों के पास जाओ, उन ज्ञानियों के पास जाओ, उन विद्वानों के पास जाओ जो आपको समाधि कराने में समर्थ हो सकते हैं। उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करो कि मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं, आप मेरे ऊपर एक पैसा खर्च मत करना, आप मुझे पानी भी मत पिलाना, आप मेरे को हाथ पैर भी दबा कर परिचर्या मत करना, लेकिन यदि हो सके तो जिनेन्द्र बचनामृत रूपी परम रसायन परम औषधि परमामृत का पान जरूर करा दे। ऐसे ऐसे निवेदन करें, फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी यस चूंकि पंडित जी कह रहे हैं तो भैया तो परमामृत पिलाइयो, ऐसा नहीं, अंदर से आपको खुद लगे कि ये मेरे हितेशी भैया, ए भैया, ऐसे हैं? इतनी इतनी विनम्रता। यदि आपके घर में भी योग्य पुत्र हो तो अब आप उसे एक तरह से समझो, पुत्र मत समझो, उसे निर्यापक समझो, तो उसे भी बुलाकर बेटा मरते समय तुम पानी नहीं पिलाओ हमें चलेगा, बेटा मरते समय सेवा नहीं करो मत करना, हमारे लिए लाखों रुपए खर्च नहीं कर सको मत करना, हमें तुमसे एक ही अपेक्षा है बेटा, हमें तो जिनेन्द्र बचनामृत रूपी परम औषधि का रसपान कराते रहना बस, बेटा तुम्हारा यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, बेटा जैसे कोई शिक्षक ज्ञान दान देने के बाद क्या मांगता है, दक्षिणा, ऐसे बेटा सारे जीवन में हमसे जो कुछ हो सकता था तुम्हारे हित में वो हमने किया है, अब अंतिम समय में तो बस केवल इतना चाहते हैं कि अंतिम समय में तुम मुझे मेरे संयम से भ्रष्ट मत होने देना, मेरी प्रतिज्ञाएं भंग मत कराना, और मुझे जिनेन्द्र वचन रूपी औषधि इसका पान जरूर कराना बेटा, मुझे जाते जाते सावधान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे प्रणाम मेरी प्रतिज्ञाएं भंग हो जाएं और फिर मैं कुगतियों में जाता फिर। इतनी इतनी विनम्रता से, ए सच बात है, असल में क्या है ये दृष्टिकोण अलग चल रहा है बिल्कुल, अब बाप बेटे की बात नहीं चल रही यहां, तो यहां दो आत्माओं की बात चल रही है, एक समाधि मरण चाहने वाली आत्मा एक योग्य आत्मा से कह रही है, अपील कर रही है, विनम्र प्रार्थना कर रही है, बेटा बेटा तो संबोधन मात्र है, अंतर में ये लगता है कि बेटा बस किसी तरह से हमारा इतना ही हित करना बस, और हमें दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, ख्याल में आ रहा है कुछ, और अभी अभी अपन कैसे बोले हे तुमसे इतनी तो आशा हम कर ही सकत, ये नहीं बिल्कुल सहज भाषा में, मैंने उसको वो भी ना लगे कि हम पे कमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि बेटा तो खुद कहेगा पिताजी आप ऐसी बात क्यों करते हैं, मैं आपकी पूरी चेष्टा करूंगा, पूरे भली प्रकार से आपका संरक्षण करूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो पिताजी, बोलो। तो इस तरह से ज्ञानियों को देखकर असीम हर्ष हो, अब ज्ञानी घर में भी हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं, आपकी योग्य बहू भी हो सकती है, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और ज्ञानी विद्वान भी हो सकते हैं, और सर्वोत्कृष्ट यदि देखे जाए तो दिगंबर मुनिराज हो सकते हैं, तो आप उनको देखकर अत्यंत हर्षित होने वाली, ए अब इसका मतलब कोई नकली हंसी करने लगे, नकली खुश होने लगे, वो बात नहीं है, आपको अंदर से जैसे जैसे दुकानदार ग्राहक को देखकर प्रसन्न होता है, जैसे रोगी डॉक्टर को देखकर प्रसन्न होता है, ऐसे ही आत्मार्थी आत्मार्थी को देखकर उसे लगे कि ये तो हमारी निधि है, ये तो हमारी संपत्ति है। एक बात नहीं कहते इन लोग में, कोई योग्य नेता का मरण हो जाए या कोई समाज में योग्य विद्वान का मरण हो जाए तब हम ये कहते हैं हमारी अपूर्णी क्षति, वे हमारे समाज की एक बहुत अमूल्य संपत्ति थे, ऐसा नहीं बोलते लोग में, अमूल्य संपत्ति। सुनो योग्य पुरुष योग्य धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष ये हमारे जीवन की हमारे समाज की एक बहुमूल्य संपत्ति है,
जैसे आप संपत्ति कब काम आती है, कब काम आती है, पैसा कमाया हुआ विपत्ति में काम आता है, ऐसे ये ज्ञानी पुरुष, धर्मात्मा पुरुष, संयमी पुरुष हमारे समाधि में काम आते हैं। जैसे आप पैसा देखकर हर्षित होते हैं, अरे खूब पैसा है, खूब पैसा, अब चिंता नहीं, अब चिंता नहीं, अब खूब पैसा है, सुना, ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, अब हमें चिंता नहीं है, हमारे बच्चे योग्य हैं समाधि कराने में, हमें अब कोई चिंता नहीं, ये इतनी प्रसन्नता हो गई है। क्या बताऊं भाई, करोड़ रुपए की लॉटरी खुले तो कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी होगी, एकदम प्रसन्न हो जाओ, लेकिन वो करोड़ रुपए समाधि नहीं करा सकते। यदि ये कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए और वो आपको समाधि कराने में निमित्त हो जाए तो उससे बड़ा उपकारी तीन का तीन लोक में कोई दूसरा नहीं है। ख्याल में आ रहा है कुछ, तो ये दो हुए। अब तीसरा पॉइंट, एक बहुत बढ़िया पॉइंट, हालांकि देखो जितने पॉइंट है ना ये सब स्वाध्याय से जुड़े हैं, समझ लीजिए समाधि मरण के जितने पॉइंट है सब स्वाध्याय से जुड़े हैं। यदि आपको आत्मा प्रिय नहीं होगी और स्वाध्याय नहीं करते होगे तो आपको ज्ञानी कभी अच्छे लगेंगे ही नहीं, मुनिराज कभी अच्छे लगेंगे नहीं, मुनिराज इतने ही अच्छे लगेंगे, आ गए हैं सो आहार दान दे दियो, जय हो प्रभु जय हो, आज हमारा माँ भाग्य, आज हमने आहार दान दे, आज हमारे माँ भाग्य, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे आप। मैं उनको देख करके जो हर्ष, वो तो तभी आएगा जिन्हें आत्मा प्रिय है। क्या कहें, शराबियों को देखकर किसे आनंद आएगा, शराबियों को, ऐसे आत्मार्थियों को देख करके आत्मार्थी ही प्रमोदित होगा, है ना, स्वाध्याय हुआ ना। अब तीसरा एक बहुत जोरदार पॉइंट, समाधि मरण में दीनता एवं महानता की बुद्धि का त्यागी हो, इस पॉइंट को हम थोड़ा विस्तार से लेंगे। दीनता का और महानता का त्यागी, ये बहुत कठिन पुरुषार्थ है और आत्मा को जाने बिना हो नहीं सकता ये, स्वाध्याय के बल पर अवूढ़ लघु जाने बिना नहीं हो सकता ये काम। देखो दीनता, दीनता का मतलब क्या हुआ, जब शरीर असक्य हो गया, 25 साल 5 साल 10 साल तक लगातार बिस्तर पे पड़ा हुआ है और बारंबार मल मूत्र क्षेपण करना पड़ रहा है हमारे इष्टजनों को, कदाचित जिन विद्वान ने हमको प्रवचन सुनाया है, जिन विद्वान को हमने निर्यापक बनाया है, और वे ही थोड़ी देर पहले संबोधते हैं और थोड़ी देर बाद हमारे वस्त्र शुद्धि कराते हैं, हमारे मल मूत्र की शुद्धि कराते हैं, तो अंदर अंदर ऐसी गिलानी सी होती है, अरे रे ये महापुरुष, ये ज्ञानी पुरुष, एक और तो हमारी इतनी अच्छी दिव्य ध्वनि सुनाते हैं, जिनवाणी माता का प्रसाद स्वादन कराते हैं, आत्म संबोधन करते हैं, और हाय हाय मेरा दुर्भाग्य, उन्हीं से मुझे मनमूत्र साफ कराना पड़ रहा है। ये दीनता का भाव नैसर्गिक बिल्कुल होगा आपको, इसीलिए ये बहुत पुरुषार्थ की बात है कि उस समय भी दीनता ना लगे, सुना, उस समय भी तुम्हें ये लगे, ये सब पुद्गल का परिणाम है, विद्वान का शरीर है वहां भी पुद्गल का परिणाम है, जो हो रहा होता है वो कर्मों के उदयाधीन हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अकर्ता ज्ञाता हूं और ये भी अकर्ता ज्ञाता है। इतना तीव्र निर्णय होगा तब आपकी हिम्मत पड़ेगी कि आप ज्ञानी पुरुष से अपनी सेवा करा लें। हैं आज तो क्या कहें, यदि अपने पुत्रादिक से भी कराना पड़े महीना दो महीना तो ऐसी आकुलता सी होती है कि कब तक इनके सिर पर बोझ रहेंगे। बिना कमाए पिताजी यदि घर में खाते हो साल 6 महीने तो अंदर ही अंदर एक बोझ सा, एक कील सी चुभती है कि बहुओं पर कब तक बोझ रहेंगे, बेटों पर कब तक बोझ रहेंगे, जबकि कोई बोझ है नहीं। सुनो भैया, सुनो अच्छी तरह से, पाप के उदय में से जैसा परिणाम ना हो ऐसा परिणाम है, और मेरे पुण्य के उदय में जिसको सेवा करनी हो करो, मैं इसलिए दीन नहीं हूं क्योंकि मैं अपेक्षा नहीं रख रहा हूं। क्या कहा, क्या कहा, अपेक्षा रखूं तो दीन नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, भेद विज्ञान के बल पर अपेक्षा को जीतो। यदि हम मनमूत्र में भी पड़े हों तो हमें ये गिलानी नहीं होए कि कोई हमारी सेवा क्यों नहीं करता, पुण्य का उदय कब आएगा, कोई हमारी सेवा क्यों नहीं करता, हाय हम क्यों पड़े हैं कि मैं उदयाधीन शरीर को मात्र जानता हूं। बहुत बहुत 320 नंबर की गाथा, मैं मात्र कर्मोदय और निर्जरा को जानता ही हूं बस। लोगों लग रहा होगा ये अभी पॉइंट कैसा लगे, मलिनता में पड़े हैं, यहां पड़े रहो कोई बात नहीं, किसा वो कीड़े काटने लगेंगे, दुर्गंध आने लगेगी, लोग देखकर हंसी उड़ाएंगे, ये सुनो, लोग देखकर हंसी उड़ाएंगे, उदयाधीन मैं जानता ही हूं। इतना इतना तीव्र प्रसाद, गिलानी नहीं लगे, दीनता नहीं लगे, क्योंकि दीनता लगेगी तो फिर ये लगेगा हे भगवान अब तो उठा लो, अब तो उठा लो, लिपटे पड़े हो, दुर्गंध आ रही हो, और स्त्री पुत्र आदि
अब स्त्री को तो ये लगता है कि हम मंदिर छोड़ेगा और हम स्वाध्याय छोड़े, सभी तो अपने चले गए और एक नौकर लगा दिया, भैया इनके कपड़ा वपड़ा तू बदलना। स्त्री छोड़कर मंदिर में पूजा पाठ में व्यस्त, स्वाध्याय में व्यस्त। हमें देखकर लगा, देखो जिस पति ने पूरे जीवन मकान बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, धन लाने में, गहने लाने में, पूरे घर की खुशहाली के लिए क्या नहीं किया, और आज ये पत्नी की हालत देखो। और फिर बस हमसे बोली, पंडित जी तो मैंने ऐसे समझा दो इनकी गति सुधर जाए, अब तो बस अब देखो पड़े पड़े संकलेश के सिवा क्या हुई है इनको बता। मैंने ऐसा पत्नी है, स्वाध्यायी पत्नी का हिसाब बता रहे हैं हम आपको कि पंडित जी अभी कब तक पड़े रहेंगे ऐसे बताओ, कब तक संकलेश के सिवा क्या हुई है, वो कब तक सुनाए ना, बिल्कुल ऐसी हालत दे छूट गई फिर बाद में उनकी। लेकिन हमें ये लगा वास्तव में उस आदमी को क्या गुजर रही होगी अंदर में, जो दौड़ता था कमाने के लिए, खाता खाने के लिए, कमाने के लिए और घर की प्रतिष्ठा के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, आज वो एक कमरे में पड़ा हुआ है लगभग कंडीशन में, नौकरों के भरोसे उसका शरीर छोड़ दिया गया है, कपड़े मेले कुचेले, वो बिस्तर मेला कुचेला बिल्कुल गंदा, क्यों कौन बदले बार बार, बार बार दस्त लग जाए तो क्या करें बताओ, दस्त में कपड़े भिड़ जाए सारे क्या करें, ज्यादा हुआ तो ऊपर से चादर ढांक दी, नग्न पड़े तो जैसे पड़े, मैंने ये ऐसे दृश्य हैं कि उस समय महापुरुषार्थ हुआ, जो आत्मज्ञानी होंगे वे तो ऐसे उदय का खेल जान करके मात्र ज्ञाता रहेंगे और दीन नहीं होंगे, क्यों दीनता अनुभवने से ही दीन कहते। अरे भैया अरे भैया अरे भैया सुनो सुनो सुनो, यदि तुम ऐसा अनुभव करोगे उस काल में तो तुम दीन हो जाओगे। एक इंद्री दो इंद्री चिंटी कीड़ी मकोड़ी, देखो बेचारे देखो बेचारे देखो ए बेचारे ए दीन दुखी देखो, सुनो तुम्हारी बिल्कुल परीक्षा यही कठोर परीक्षा है, समझ लो कि अंतिम समय में कैसी भी दशा हो जाए लेकिन अपने को दीन नहीं अनुभव करेंगे। दूसरी ओर से बोलो ये तो नास्ती हुआ, अस्थि में बोलो तो अपनी प्रभुता का अनुभव करेंगे, अंतर में तो वही शुद्ध चेतन प्रभु पड़ा हुआ है, अंतर में तो भविष्य का सिद्ध पड़ा हुआ है, जितनी चर्चा सुबह चल गई ना वो सब अनुभव करो, मेरे में कोई कमी नहीं है, ये कमी देह में है और उदय में है, आत्मा में क्या कमी है। लेकिन अभी देखो अभी जितना आप समझ तो रहे होंगे बहुत गंभीर मामला है, बात गंभीर है। देखो भाई बीतेगी तो सही, 19-20 हो सकती है मेरे कहने में है, लेकिन जब अशक्य हो जाएगा शरीर तब कुछ ना कुछ से बीतेगी। लेकिन हम यहां कह रहे हैं तब दीनता का अनुभव ना करता हो और महान पने का अनुभव नहीं करता हो, उसका पॉइंट तो पहले ही बताया आपको कि उसको महानता भी नहीं लगे। देखो ऐसे पुत्रादि कहा ऐसे सब क्यों हुए, सुना भगवान हमारी भावना तो ये है सब सिद्धालय में हुए ऐसे पुत्र किसी के ना हुए क्यों क्या क्या भावना माने लायक है कि सबके पुत्र हुए माने सब संसारी हुए, नहीं नहीं प्रभु हमारी तो एक अंतर में कामना है, ये कोई शोभा की बात थोड़ी है, ऐसे योग्य पुत्र हमारी सेवा करने वाले हैं है? अरे धन्य तो वे हैं जिन्हें सेवा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, है? धन्य है जहां सेवा को सेव्य का भाव आए ही नहीं है, धन्य है वे जीव जिन्हें सेवा करने का भाव भी नहीं आता और सेवा कराने का भाव भी नहीं आता है, है? ये बहुत कठिन चर्चा चल रही है, ये तीसरा पॉइंट बहुत संयमी होगा, बहुत भेद विज्ञानी होगा, बहुत सफल होगा इस चीज में। फिर से समझ लो दीन नहीं होना और महानता का भी अनुभव नहीं करना। देखो आपको क्या होता है, पाप के उदय में भी जीव अपने को महान अनुभव करते हैं, समझ लो कैंसर हो गया हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और बहुत लाखों रुपए के यंत्रों से उनका चेकअप हो रहा है, दवाइयां चल रही हैं अमेरिकन दवाइयां, 25,000 का एक इंजेक्शन लग रहा है, तो हमने उन कैंसर वाले सेठ जी को ये कहते हुए सुना, पंडित जी सही में पैसा था तो आज कहां आया, देखो इतना बड़प्पन, काय का बड़प्पन, पैसा पंडित जी आज कोई कमी नहीं है, 25,000 का एक इंजेक्शन लग रहा तुम्हें तो कहां लगेगा 25,000 का एक, हर कोई की बस की थोड़ी है। अब देखो क्या क्या है पाप का उदय, मृत्यु के मुख में जा रहा है लेकिन जीवन भर पाप की कमाई का बड़प्पन आ रहा है उसे, सुनो धनादि का बहुमान अने बड़प्पन, स्त्री पुत्र आदि का बड़प्पन, भले कितनी अच्छी सेवा करें या डॉक्टर आदि भी सेवा करें तो पुण्य का बड़प्पन नहीं आवे, बहुत सावधानी के पॉइंट है, पुण्य का भी बड़प्पन नहीं आए,
तीन लोग तीन काल में, एक आत्मा के सिवा दूसरा कोई बड़ा नहीं है। पुण्य एक पुण्य, ये बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पुण्य के उदय में भी क्यों, जिसे तुम पुण्य का उदय कह रहे हो वो कब काम आ रहा है, पाप के उदय में नहीं आई समझ में। पहले पहले कैंसर आया और फिर वो पुण्य का उदय साथ दे रहा है, किस काम का है वो, रहने तो हमें नहीं चाहिए ऐसा पुण्य का उदय, हमें उस आत्मा का आश्रय चाहिए जिसके बाद फिर पाप भी नहीं आते और फिर पुण्य की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे भेद विज्ञान करके ऐसे निर्णय करना, इसमें से तो दीनता भी नहीं हो और किसी भी क्वालिटी की महानता का भी बोध नहीं हो। सुबह की चर्चा में देखें तो अपन शुद्ध निर्मल पर्यायों तक का बड़प्पन छोड़ते हैं, उसका भी लक्ष्य और आश्रय नहीं करते हैं। अगला, कायरों को समाधि मरण संभव नहीं है। किसको, जो रोग आदि के नाम पर भयभीत हो जाएं, रोने लगें, घबरा जाएं, मरने के नाम पर ए बचाओ बचाओ चिल्ला चोट करने लगें। सुनो भाई, ये आज इसलिए कह रहे हैं, असल में क्यों ये चर्चा चला रहे हैं कि अपन, सही बात यह है कि पहले तो मृत्यु का विकल्प तक नहीं करता कोई, ये तो मजबूरी है कि मंदिर में चल रही है, लेकिन अकेले में बैठ के कोई सोचने के लिए तैयार थोड़ी है, है? लेकिन आप सोचो यदि ऐसा अवसर आए तो क्या होगा, कायर तो नहीं हो जाएंगे हम। कायर किसे कहते हैं, कायर व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटा देता है, नहीं ऐसे नहीं। कायर व्यक्ति होगा यदि सेना में होगा तो समर्पण कर देगा और वहां से पैसे आदि के चक्कर में कायर होकर के लड़ूंगा तो गोली खा के मर जाऊंगा, इससे तो अच्छा है कि सारे राज इधर के उधर दे दो। दृष्टांत, कायर पुरुष होगा, अब हम क्या करें, हमारी स्त्री कौन बचाए भैया, हमें नहीं मरने, जो स्त्री खड़ी है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो पैसा पड़ा ले जा ले, तो क्या हुआ जी, जी कायर बना। सूरवीर होगा तो अंतिम क्षण तक मृत्यु भी क्यों ना आए अपने स्त्री पुत्र आदि की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। दृष्टांत में ऐसे ही सूरवीर पुरुष होगा तो प्राण जाते हुए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा, अपनी संपत्ति नहीं छोड़ देगा, अपने रत्नत्रय नहीं छोड़ देगा, कायर होकर के अनर्गल जीवन अनर्गल खान पान अभक्ष दवाइयां नहीं लेगा। अब ये बहुत बहुत गंभीर पॉइंट है, फिर विचार करो कि हमारे जीवन में कायरता कब आ सकती है, कब आ सकती है, एक्सीडेंट हो गया हो, गंदे नाले का पानी और प्यास के मारे तड़प रहे हो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो पानी और है ही नहीं कहीं, और प्यास के मारे गर्मी जेठ की दोपहरी और डॉक्टर ने वहीं से पानी ला करके दे दिया, क्या करेंगे। इतनी मोटा दृष्टांत है, सोचना जरा शांति से। इसके लिए प्रैक्टिकल इतना बताना है कि छोटे मोटे अवसरों में हम यदि नियमों से चूकते हों, परिणाम शिथिल होते हों, अब रहन तो दो सब चलत है, ये से परिणाम आते हों तो अभी से आप सूरवीर होने की चेष्टाएं करो, छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी डिगो मत, अपने परिणाम इतनी जल्दी शिथिल करने की आदत मत डालो, बुद्धिपूर्वक भेद विज्ञान करना सीखो, जिसकी चर्चा पूर्व में बहुत कर चुके अपन, रिपीटेशन करना नहीं चाह रहे हैं। भेद विज्ञान, भक्ति, स्वाध्याय, चर्चा, निर्णय, स्वावलंबन, इतना नहीं हो सके तो फिर कर्मों का उदय विचार करके, फिर भी तुम्हारा परिणामों में समता नहीं आए और गलत काम करने का मन करे, गलत खाने पीने का मन करे, तो उनका फल, इसका फल क्या हुआ ये तो बताओ। आज ही हम अवक्ष खाले में और कल वहीं जाकर जन्म लेना पड़ेगा, तब क्या होगा। सुनाओ, उदय का विचार करो, यदि आयु है तो गंदा पानी पीने से भी नहीं पीऊंगा तो भी जीऊंगा, यदि आयु नहीं होगी तो ये अवक्ष भक्षण करके, अवक्ष दवाइयां खा करके भी देह छूटेगी, लेकिन अवक्ष भक्षण के परिणाम में मैं कायर हो जाता हूं, मेरी समाधि नष्ट हो जाती है, मेरी मृत्यु बिगड़ जाती है, मुझे खोटी जगह जन्म लेना पड़ेगा और अनंत काल दुख पाना पड़ेगा। हे आत्मन, थोड़ी देर की है इस भव की पीड़ा और एक तरफ अनंत काल का सुख है, एक तरफ क्षणिक केवल जिब्बा इंद्री अथवा शरीर पांच इंद्री इनकी थोड़ी देर की अनुकूलता और फिर अनंत काल का दुख, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। ऐसे शांति से जब जब आपको प्रसंग पड़े, बल्कि मैं तो एक प्रैक्टिकल और बताता हूं, अभी जनरली क्या होता है, जैसे हाथ जल गया रोटी बनाते बनाते तो क्या करेंगे, एकदम लाल लाल बर्नर लगाओ, नहीं तो आटा लगाओ, पानी की पट्टी लगाओ, पानी में हाथ डाल दो। हम कहते हैं जब हाथ जल गया तो कम से कम आधा मिनट का नियम ले लो, आधा मिनट तक तो उसे छुएंगे भी नहीं, ज्यादा नहीं कह रहे, केवल आधा मिनट, जलते से ही अब छुएंगे भी नहीं,
कुछ दवाई भी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे। अब पीड़ा तो ऐसी हो रही कि कब इसमें पानी में डाल दें इसे, पीड़ा तो ऐसी हो रही जल्दी आटा लगाओ इसमें। लेकिन हम ये विचार कर रहे हैं कि यदि ये पीड़ा अंतिम समय में आई और लगवा हुआ तो क्या होगा, नरकादि की वेदना कैसे सहोगे। हे आत्मन सावधान हो, भेद विज्ञान करो, देह जुदा है, मैं जुदा हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये कर्म का उदय मात्र है। विबलता से काम नहीं चलेगा, दवाओं के निमित्त से भी काम नहीं चलेगा, निमित्ताधीन दृष्टि से काम नहीं चलेगा। यदि दवा नहीं होती तो क्या करते, आपको क्या बताएं। जब उस सैनिकों को पकड़ लिया ना पाकिस्तान में, तो जगह जगह उनको सिगरेट से जला जला के जला जला के, अब दवाएं कहां थी वहां बताओ, पानी कहां था वहां, और चाकू से छेद छेद दिया ऐसे से, बताओ अपने रहस्य। ऐसे जगह जगह चाकुओं से छेद दिया उनके शरीर को, उनके अंगों को काट दिया, नाक काट दी, कान काट दिए और अंग काट दिए, उंगलियां काट दी, एक एक उंगली करके उसको पूरा। क्या हुआ, कैसे भोगा हुआ उस आदमी ने, बोले जहां दवाएं नहीं थी, पट्टी नहीं थी, सामने ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, एक एक अंग काट दिए उसके, जीते जी। कैसे बीती होगी वे बातें, पाप के उदय में यदि उसने आखिरकार तो मरी गया, समाधि तो नहीं हुई, लेकिन हमारे भी ऐसा पाप का उदय हुआ तो हम क्या करेंगे। तो आप सूरवीर होने की ताकत रखेंगे, नहीं तो कायर, तो कायर का क्या मतलब, जरा कर्म का उदय आया, भेद विज्ञान एक तरफ गया, स्वावलंबन एक तरफ गया, तत्वनिर्णय एक तरफ गया, पंच परमेश्वरियों की आगे एक तरफ गई, और हम दौड़ करके उपयोग प्रयोग क्या दवाएं और उपचार करने के लिए दौड़ पड़े। हम आपसे पूछते हैं, आज अंतिम समय इसलिए तो किलपते हैं ना, दुखी होते हैं कि जम की तकलीफ हो रही हो, लड़का दुकान पर है, अभी फोन करा है, आएगा एक आध घंटे में, और नहीं आए जब तक क्या लगता है आपको। तो वो आपको जीवन भर की जो छोटे छोटे रोगों में, छोटी छोटी तकलीफों में जो आप कायरपना सीखा था आपने, वो अंतिम समय में प्रबल कायरपना हो जाता है। प्रबल क्यों, अब ये लगता है कि लड़का नहीं आया, मरे अब लड़का नहीं आया, मरे। सुनो, कायरपना क्यों कह रहे हैं, उतनी देर में अब लड़का तो आया नहीं, लड़के को आने में 2 घंटे लगे, उस 2 घंटे में भी आप मात्र किलपते ही रहे, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़का आएगा कि नहीं आएगा, मरूंगा कि बचूंगा, इतना तो चिंतन किया नहीं। उन 2 घंटे में पंच परमेष्टि का स्मरण, आत्मा का स्मरण, श्वास रह लेना, आकुलता नहीं करना, शांतता रखना, समता भाव रखना, और देह जुदा है हम जुदा हैं, यदि देह छूटनी होगी तो आकुलता करने से कुगति में क्यों जाएं। और लड़के को तो जब आना जब ही आना है, अपने स्वय समय स्वय काल में ही आएगा, तो हम आकुलता क्यों करें। ऐसी समता की प्राप्ति ये सूरवीरता, क्या कहा, ये समता की प्राप्ति ये सूरवीरता है। कायर होने में क्या रखा, चिल्ला चोट करो, रोते रहो, लेकिन लड़का तो जब आएगा जब ही आएगा, डॉक्टर तो जब आएगा जब ही आएगा, और दवाएं भी जब मिलनी होगी जब ही मिलेंगी। और हम एक बात कहते हैं, दवाएं मिल जाएंगी तो ठीक हो ही जाओगे, इस बात की क्या गारंटी है। पाप का उदय हो तो बेई दवाएं रिएक्शन करती देखी जाती हैं। तो अभी एक बात बताओ, समता ये सूरवीरता है, चिल्ला चोट करना, कसाय करना, घबरा जाना और सारा सुना पड़ाया भूल जाना, ये कायरता है। इसलिए क्या करना, कायरों को समाधि मरण संभव नहीं है ऐसा जानकर अत्यंत हर्षित चित्त होकर इसमें सावधान चित्त से प्रवर्तें। काय में समाधि मरण में अत्यंत सावधान चित्त से प्रवर्तें। अब इसके लिए मैंने आपको एक दिन एग्जाम्पल दिया था, आप बच्चों को इस तरह की आदत डालो, संस्कार डालो कि बेटा कभी पीड़ा हो जाए तो तुम हमें पंच परमेष्टि की याद दिलाना, तुम हमें याद दिलाना, इस समय सारी गाथाओं की याद दिलाना, तुम कहना पिताजी तुम घबराते क्यों हो, तुम तो आत्मा हो ना। अभी गुना में सुना था मैंने 2-3 साल पहले, उनका एक का बच्चा, इकलौता बच्चा मैंने गुजर रहा था, 13-14 साल की उम्र, क्या बीमारी हो गई थी, कोई कैंसर था क्या था बच्चे को, अचानक 14-15 साल की उम्र और बिस्तर पे पड़ा, उसे भी मालूम है कि मुझे जाना है और पिताजी को भी मालूम है जाना है। तो वो लड़का पिताजी से कह रहा है, लड़का, कि पिताजी तुम रोना मत, तुम घबराते क्यों, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर ही तो छूट रहा है, मैं तो अमर हूं। अरे ये लड़के के बोलते बोल गुना के बच्चे के, दिल्ली की बात सुनने को मिली, नागलोई है, नागलोई दिल्ली में, वहां पाठशाला में अजयन की बच्ची आती थी, गुप्ता की, गुप्ता या शर्मा कोई थी, उनकी बच्ची पाठशाला में पढ़ने आती थी, तो वहां अपने तो वही पढ़ाई जाती सारी सारी, आत्मा भगवान ध्रुव और एक बस। संयोग से उसकी कोई ऐसी बीमारी हो गई अचानक
तो घर में उसका आप क्या बताएं, मतलब समाधि मरण जैसी स्थिति हुई बच्ची की। वो बच्ची बिल्कुल 12-14 साल की, मुश्किल 12-13 साल की, और पिताजी माताजी सब ओके। पिताजी घबराना नहीं, माताजी घबराना नहीं, मैं मर कहां रही हूं, मैं तो अमर हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ये तो कर्म का उदय है। बिल्कुल ऐसे बोल बोलती हुई और डमोकान पड़ती हुई दे छुड़ी है उसकी। छोटी सी बच्ची की घटना सच्ची है बिल्कुल। कहने का मतलब क्या है, काम बहुत सरल है लेकिन कायर होने की चेष्टा मत करो। इसीलिए मैं कहता हूं आप थोड़ी इमेज भी करना पड़े तो इमेज करो। ये छोटी मोटी कभी कुछ हो गया, छोटी मोटी भेद विज्ञान करने की चेष्टा करो। डरो मत, घबराओ मत, जल्दी जल्दी डॉक्टर का स्मरण मत करो, दवाओं की ज्यादा मत करो, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो। और विचारो आप मुनिराजों का स्मरण करो, बताओ मुनिराज कायर नहीं होते हैं, हो जाते हैं, उन्हें भी तो बीमारी हो जाती है, उन्हें भी तो ठंड लग जाती है, उन्हें भी तो आपकी शीतलहर, उन्हें भी तो बर्फ गिरती होगी, वो उन्हें भी तो मलेरिया हो जाता है, उन्हें भी तो टाइफाइड हो जाता है, फिर जंगल में कैसे समता रखते होंगे। हे आत्मान उनका स्मरण करके समता रखो। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से हमें समता ही सूरवीरता है, बाकी कायरता है, कायर नहीं होना है। ठीक है, अगला तत्वों का सम्यक निर्णय करके स्वयं को अजर अमर अविनाशी, जिसकी चर्चा अभी की थी, अजर अमर अविनाशी चैतन्य स्वरूप एवं पर्याय को स्वांग समान जानकर निर्भय रहें। अभी तो समय सारणी पढ़ोगे तो समझ में आएगी बात। समय सारणी में आता है ये स्वांग है, स्वांग समझते हो, स्वांग स्वांग समझते हो, बेस बेस ऊपर का स्वांग नाटक। एक दृष्टांत दूंगा आपको, दृष्टांत। एक स्त्री का पति रावण बना, समझ गए हो गए आगे का दृष्टांत। एक स्त्री का पति रावण बना, रामलीला हो रही, रामलीला रावण बना, और एक का पति राम बना। अब ये दो ही बगल में बैठे बिल्कुल, एक का पति राम एक का पति रावण। और राम रावण को धक्का दे रहा है, तलवार दिखा रहा है, मार डालूंगा, ऐसा वैसा कोई युद्ध चल रहा है, और ये दो ही प्रेम से बैठी क्यों मालूम क्यों बैठी प्रेम से, कि इसका स्वांग मेरे पति के स्वांग को, पति को नहीं, क्यों इसके पति का हाथ और उसके पति का ग्रेवान, क्या हाँ इसके पति का स्वांग और मेरे पति का स्वांग, और तलवार और गाली और चिल्ला चोड़ मार डालूंगा, मर जाएगा जेब, इतनी हा हा बिल्कुल। लेकिन भी दो ही बड़े प्रेम से बैठी, कुछ हुई नहीं उन्होंने। जे रावण की पत्नी जो बैठी इधर मुझे नहीं कह रही कि क्यों तुम अपने पति समझा लियो उसे कुछ हो ही नहीं रहा है, जबरन दबाए जा रहे हैं, देखो कुछ नहीं हो रहा उसे, और आखिरकार उसने उसको मार डाला और चिल्लाता हुआ मर गया। इसकी आंखों में एक आंसू नहीं अब हुआ क्यों नहीं, ये बस प्रश्न है कि हुआ क्यों नहीं ऐसा, ये क्यों क्यों, कि वो जानती है कि जितना है ये सब स्वांग है और मेरा पति इसके अंदर पूरा सुरक्षित है। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं समाधि मरण यदि करना हो तो इस शरीर को स्वांग जानो। इसमें चिल्ला रहा है तो स्वांग चिल्ला रहा है, अंतिम स्वांग है। भूख के मारे बिल बिला रहा है तो स्वांग बिल बिला रहा है, मैं तो गया हूं, मैं तो भी सुरक्षित हूं, मैं आत्मा तो सुरक्षित, मेरा इसमें क्या काम है। मैंने जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये मात्र स्वांग है। आप तकलीफ किसको हुई बता, ये स्वांग का अभ्यास ही हुए, मैंने इसको स्वांग जानकर, मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, चेतन तत्व हूं, ज्ञायक तत्व हूं, और ये देह है से ये उदयाधीन है, कर्म के उदय मिली है, असाध का तीव्र उदय से बिल बिला रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, और अंदर अंदर आत्मा का आनंद चल रहा है। कि साहब आपको मरने का कोई गम, कि काय का गम, हम तो अमर हैं, जी छूट रहा है छूट जान दो, बढ़िया ही छूट जान दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी तो भावना है कि आज के बाद ये कभी ना मिले, कभी ना मिले। एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, जिन्हें मरते समय जी लग रहा है कि मिलता रहे, छूटे नहीं छूटे नहीं छूटे नहीं, तो सुनना ध्यान से, तो तुम अपने सिद्ध बनने का भाव कर रहे हो, तुम सिद्ध होने के विरुद्ध में बातें सोच रहे हो ये सारी। सुनो जब तुम मुनि बनोगे ना, जब मुनि दीक्षा होगी तुम्हारे पास, तब तुम्हें समय बहुत लगेगा। अब क्या करना है, जल्दी मोक्ष में चलना है कि देर से चलना है, ये बताओ। मैं व्यवहार की बात चल रही है, कब चलना है मोक्ष में, विलंब से कि जल्दी से। तो सुनो
यहाँ से प्रार्थना मत करो कि भगवान ये शरीर मिले, शरीर मिले, शरीर में रहूं, शरीर में रहूं, शरीर में छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए। हो सकता है तुम्हारी देह छूटे और फिर इसी में कीड़े मकोड़े बनते फिर, ऐसा नहीं हो जाए। करणानियों की बात है, वो करणानियों की। इसलिए हे भाई सावधान, क्या कहें, स्वांग जानो इसको। स्वांग है, स्पष्ट स्वांग है, उसमें क्या है। अरे अपन कह रहे हैं स्वांग, ये तो मैंने आपको एक बार बताया था कि जो पिक्चरों की दुनिया होती है, जो गाने लिखते हैं, वे कहते हैं स्वांग है, नहीं कहते हैं दुनिया एक नाटक है, हम इस नाटक में काम करते हैं। तो क्या है ये, एक पत्नी का रोल करती है, एक पिता का रोल करता है, एक पति का रोल करता है, एक माँ ऐसे रोल करती है सर। थोड़ी देर बाद नाटक के पात उतरते चले जाते हैं, नए नाटक के पात आते जाते हैं, नाटक चलता रहता, नाटक कभी खत्म नहीं होता है और नाटक के पात्र चले जाते हैं, इतना ही तो होता है। अब आपको क्या करना है, अटकना है कि नाटक है। ये बहुत अच्छा शब्द अर्थ करते हैं, ना अटक ना अटक, अटको मत नाटक में, अटको मत। साहब मैं तो राम हूं, तो ये सिंहासन मेरा है, तेरा मेरा कुछ नहीं, अटक मत, उतरो यहां से, ये तो नाटक का मंच है यहां पर, है ना। ऐसे यहां पर समझना भैया, जो कुछ भी हो रहा है ये स्वांग है, नाटक है, इसमें अटकने की जरूरत नहीं है। मैं तो भावी सिद्ध हूं, वर्तमान में पूरी शक्ति है मेरे में भगवान बनने की, मैं उसका सदुपयोग करूं, समता रखूं, यही एकमात्र उपाय है, और कुछ उपाय नहीं। ये चर्चा। अगला, समाधि के समय पहला काम तो यह है कि शुद्धात्मा के अवलंबन पूर्वक हीनता का अनुभव ना करें, परिपूर्ण अनुभव करें, कृतकृत्य अनुभव करें, स्वाधीन अनुभव करें, स्वाधीन। ए अब क्या करें भैया, पराधीन है। है क्या बात करते हो, सुनो बताना उत्तर सही। पराधीन है वो, स्वांग है। पराधीन है वो उदय होगा, मैं पराधीन कैसे हो सकता हूं, क्यों हमारा जानना देखना पराधीन है, भेद विज्ञान करने की ताकत पराधीन है, रत्नत्रय पाने की ताकत पराधीन है, क्यों। अब क्या करें पंडित जी, रोटी मिले तभी सम्यक दर्शन हुई है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन रोटी के अधीन नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद विज्ञान स्वावलंबन ये पुण्य के अधीन नहीं है। नरक की घोर वेदना में तुम्हारा सम्यक दर्शन सुगम है। एक बहुत अच्छी बात कहता हूं आपको, क्या कहें। वैसे तो हमें कहते हैं कि जीव अभी सम्यक दर्शन लें, अब भी, लेकिन ना ले पाए हो और कदाचित अंतिम समय हो, बिल्कुल अंतिम समय, और मरण सन्मुख पड़ा हो, बीमार हो, घोर तकलीफ में हो, पूरे शरीर में इल्लियां पड़ गई हो, कीड़े पड़ गए हो, तो भी हम उसे ये कहना चाहते हैं कि तेरा रत्नत्रय तेरे स्वाधीन है, तुम स्वाधीन अनुभव करो, स्वाधीन। फिर से सुनो, पराधीनता का अनुभव ही मिथ्यात है। क्या कह रहे हैं, पराधीनता का अनुभव ही मिथ्यात है। आत्मा उस तत्व को कहते हैं जो कभी पराधीन हुआ ही नहीं। क्या कह रहे हैं, आत्मा कभी पराधीन हुआ ही नहीं, सदा स्वाधीन, उसका नाम शुद्ध आत्मा या आत्मा। तो इस तरह से कृत कृत अनुभव करें, स्वाधीन अनुभव करें। निमित्ताधीन दृष्टि, निमित्त के अधीन दृष्टि, ये हीनता का परिचायक है। बहुत बढ़िया, उस हीनता का खुलासा कर रहे हैं ऊपर वाले को। निमित्ताधीन दृष्टि, अरे मंदिर गए होते, मंदिर छूट गए, मंदिर गए होते तो, मंदिर गए होते, सुनो मंदिर निमित्त है, और इसके अधीन दृष्टि तुम्हारी बरत रही है, स्वाधीनता नहीं बरत रही है, ये तुम्हारी हीनता का शिकार हुआ। तुम पंडित जी कोई नमोकारमन सुना दे तो, और कच्छू चाहत नहीं है आखिरी में, कोई नमोकारमन सुना दे तो। सुनो ये निमित्ताधीन दृष्टि तुम्हारी समाधि मंड का अंत कर देगी, समाधि मंड नहीं होने देगी। इसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, अभी तो इतनी याद दिलाई है इस प्रसंग में। बोलो अंतिम समय में क्या चाहिए, नवकारमन सुनाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हे प्रभु मिल जाए तो स्वागत है, नहीं मिले तो उसकी याद नहीं आवे, इतनी तैयारी करो। हे प्रभु आपके चरणारविंद के आश्रय से इतनी तैयारी हो मेरे चित्त की कि अंतिम समय में कोई सुनाने वाला ना मिले तो भी मुझे उसकी याद नहीं आए। अंतिम समय में दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं पंडित जी, निरोग होंगे तो दवाई नहीं चाहिए, ठीक है। सुना चाहे घोर रोग हो जाए लेकिन प्रभु मुझे दवाओं की याद नहीं आए, एक स्वावलंबन ही औषधि है बस। समझ में आया कुछ, ऐसे हर एक में लगा लेना आप। परिचर्या करने वाले मिले कि नहीं मिले, पानी देने वाले मिले कि नहीं मिले,
सोच ना, मैं देखो ये पॉइंट हम तो 2 मिनट में कहकर खत्म कर देंगे, आपको ओरिजिनली सोचोगे तब मेहनत बहुत लगेगी इसमें। ये जितनी चर्चा चल रही ना इसमें बहुत पुरुषार्थ है, समझ लीजिए। हमें तो बस बताना इसलिए कह देते हैं, कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि आपको बहुत मेहनत चाहिए इसमें। आप विचार करो कि कैसी कैसी बीमारी होगी, पानी ना मिले तो भी हमें घबराए नहीं। अरे भाई क्या कहें, दिगंबर मुनिराज होते हैं और वन खंडादि में कोई प्यासा मिल जाता है और तड़प रहा है और मुनिराज के पास प्राशुक पानी है, लेकिन उन दिगंबर मुनिराजों को वो चिल्ला के कह रहा है मुझे पानी दो, और वे उसे पानी का कमंडल नहीं देते, उसे उसे पानी नहीं पिलाते। तो अभी मुनिराज को करुणा सच्ची है कि झूठी है, हैं? दया सच्ची है कि नहीं है? कैसे बेचारा वो तड़फ रहा, मर रहा है, वो पानी तक नहीं दे रहा, मर गया तो कि मर गया तो मर जाओ। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तू आयु के छह से मरता है, यदि तेरी आयु पूरी हो गई होगी तो पानी से तू जिएगा नहीं, और आयु होगी तो बिना पानी के भी जिएगा। लेकिन हम तो एक क्षण का भी यदि मौका मिला है, एक क्षण का, तो उसमें भी हम ये कहना चाहते हैं कि तू पानी पीने वाला नहीं है, तू अनाहारी ज्ञायक तत्व है, तू तो आत्म तत्व है, तू उस आत्मा को जान। इतना यदि वो जान लेगा और देह छूट गई तो सफल हो गया उसका जीवन। और पानी पी भी लिया और पानी की ही रटन रही और पानी में ही प्राण अटके रहे, फिर भी पानी की ही चाहत बनी रही, पानी में ही बड़प्पन लगता रहा उसे, तो देह छूट गई तो पानी में जाके जीव बन जाएगा। क्या करना है अब कि मुनिराजों का स्वरूप समझो अच्छी तरह से, ऐसे समझ आया? तो क्या कहते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखना। समाधि में आत्मा ही सर्वस्व है, समाधि में दवाई नहीं चाहिए, सर्वस्व तो आत्मा है। सब कुछ हमारा ओढ़ना बिछाना श्वास खाना पीना चलना फिरना आत्मा ही है। इसमें क्या आश्चर्य, आप ये तो सुबह चले तो सरल पड़ती है चीज। सकर्म सर्वांग सकर ही है, आत्मा का सर्वस्व आत्मा ही है। जैसे सकर की मिठास सकर में समाई हुई है, ऐसे आत्मा का उपयोग सर्वांग आत्मा में समाये रहना, समाया ही रहता है और वही उसके ज्ञान में बना रहे, यही समाधि है। और क्या कहें, इस सर्वस्व है ख्याल में। और क्या कहते हैं, अतः उपकृत, देखो ये भी बहुत गजब, उपकृत पने का व्यवहार तो योग्य है, लेकिन उपकृत अनुभवने के स्थान पर कृत कृत्य अनुभवना योग्य है। ये अंतिम पॉइंट है आज का, इसकी चर्चा समझ लो थोड़ी सी। बाहर में तो यदि कोई उसकी सेवा करे, कोई उसको नमकार मन सुनाए, कोई उसको तत्व का संबोधन करे, भेद विज्ञान कराए, तो बाहर में तो यही बोलेगा कि भैया आपका परम उपकार है, आपका बहुत उपकार है, आपके हम ऋणी हैं, बाहर में तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन अंदर में ऋणी अनुभव नहीं करेगा। ये थोड़ी सी बात है, क्यों? क्योंकि अंदर में यदि वो दीनहीन हो गया तो कर्मों की श्रृंखला नहीं टूटेगी। हम तुम्हारा कर्जा कैसे उतारेंगे, एक कहो तो। अंदर में यदि तुम्हें लगा कि हम इनका कर्जा कैसे उतारेंगे, तो तुम उतारने आ जाओगे बैल बन के, कोई कुछ भी बन सकते हो। क्यों, कर्जा उतारने का भाव था ना तुम्हें, ये हम तो अब तो ऐसी भावना है, तुम आओ कर्जा उतार दें, कैसी कर्जा उतार दें। कि सुनो एक बहुत काम की बात है, थोड़ी इसको समय चाहिए था इस पॉइंट को, लेकिन संक्षेप में बताते हैं आपको। देखो भाई, कोई यदि समाधि करा रहा है तो तुम पे एहसान नहीं कर रहा है। फिर से सुनो, व्यवहार में तो एहसान है ही, व्यवहार में तो एहसान है ही। वो कहेगा ऐसी, हम आपके चिर ऋणी रहेंगे, आपका जन्म जन्म तक उपकार नहीं भूलेंगे, आपने हमारी सुंदर समाधि कराई है। लेकिन अंदर जो दृष्टि में अनुभव करना है, अनुभव वहां तो से ये लगे कि देखो भाई मेरे पुण्य के योग से ये आए हैं, एक बात। दूसरी बात, ये मेरे लिए समाधि करा रहे हैं तो फ्री में नहीं करा रहे, इसके बदले में इनको चिर समाधि मिलेगी। इन्हें तो मिलेगी, फ्री में थोड़ी करा रहे हैं, है? इसलिए व्यवहार व्यवहार के स्थान पर है, अंदर ही अंदर में अपना काम कर रहा, कृत कृत्य अनुभव कर रहे अपने। अपने को ये नहीं लगे कि अब मैं इनका गुलाम हो गया, कि अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं। देखो चाह अपेक्षा हमने कोई से करी नहीं थी, कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छी बात इस प्रसंग में कहते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। वर्णी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो आप सबको भी याद रखने लायक है। वर्णी जी बहुत बीमार रहते थे, गणेश प्रसाद जी, उनको जब देखो जब मलेरिया,
साल में समझ लो कि अधिकांश 9-10 महीने 8 महीने 10 महीने लगभग मलेरिया रहता था, तो चिट्ठियों में भी लिखते थे कि आजकल मेरा मित्र मेरे साथ है। मैंने मलेरिया को मित्र कहते थे मलेरिया मेरा मित्र मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से मित्रता निभा रहा है और मेरे संग रहता है हमेशा, ऐसे लिखते थे वो पत्र में। तो बहुत परिचर्या भी करना पड़ती थी श्रावकों को, तो वो एक बात अक्सर कहते थे, भैया तुम्हारे लिए तो ये महापुण्य का योग है कि तुम परिचर्या कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो ये महापाप का योग है, क्योंकि जरूर मैंने ज्ञानियों की भैया वृत्ति नहीं की होगी। यदि मैंने ज्ञानियों की भैया वृत्ति की होती तो आज मुझे भैया वृत्ति कराना नहीं पड़ती। ओम नमः शिवाय।